नमस्कार, स्वागत है विवादी कुकिंग में। आज हम मिलकर बनाएंगे साबूदाना की बहुत ही स्वादिष्ट केसर के फ्लेवर वाली खीर। व्रत में भी खा सकते हैं साबूदाना की खीर और बिना व्रत के भी जब हमारा मन करे मीठा खाने का तो झटपट हम बना सकते हैं ड्राई फ्रूट के कॉम्बिनेशन से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना। बहुत ही स्वादिष्ट साबूदाना की खीर बनाना शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम साबूदाना मोटा वाला लेंगे और उसको हम भिगोएंगे। 4 से 5 घंटे इसको भिगो के रखेंगे। अगर हो सके तो रात को ही साबूदाना को भिगो दो। फूले हुए साबूदाना से खीर बनाते हैं, बहुत बढ़िया बनती है। देखो कितना बढ़िया फूल गया। अब हम इसको कढ़ाई में थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे, देसी घी डालेंगे। जब देसी घी मेल्ट हो जाए तब हम इसमें भीगा हुआ साबूदाना उसको थोड़ा स्ट्रेन कर लेंगे ताकि पानी ना रहे इसमें। इस साबूदाना को हम शैलो फ्राई करेंगे 2 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है साबूदाना पर, इस तरह से थोड़ा सा तल लो। उसके बाद हम जो दूध डालेंगे, हल्का गुनगुना दूध डालेंगे, ठंडा दूध नहीं डालेंगे, और फिर इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। बीच बीच में लगातार चलाते रहेंगे। अगर हो सके तो नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और जब ये कम से कम 30 मिनट तक मीडियम आंच पर पक जाए तो इसमें चीनी और हम डालेंगे हरी इलायची का पाउडर और केसर डालेंगे। उसके बाद फिर पकाएंगे इसको 15 से 20 मिनट के लिए। बहुत ही बढ़िया गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसमें जितने हमारे ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हो उसको थोड़ा सा फ्राई करके हम डाल देंगे। बहुत बढ़िया क्रंची टेस्ट आता है। तकरीबन आधे घंटे में हमारी बहुत बढ़िया खीर बनकर तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा हम केवड़ा का पानी डालेंगे, महक बहुत अच्छी आती है केवड़ा और केसर की। ठंडा होने के बाद बहुत बढ़िया, थोड़ा और गाढ़ी हो जाएगी। ये हमारी साबूदाने की खीर बनकर तैयार है, जिसको हम व्रत में भी खा सकते हैं और बिना व्रत के भी खा सकते हैं। आप ही इस रेसिपी को ट्राई कर। साबूदाना की खीर बनकर तैयार है, जितनी स्वादिष्ट दिखने में लग रही है वाकई उतनी स्वादिष्ट बनी है। आप भी इस तरह से साबूदाना की खीर बनाना और बताना आपकी साबूदाना की खीर कैसी बनी मेरे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको साबूदाना की खीर की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स भी देना। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।